बक्सर जिले के नवानगर पुलिस ने मड़िया डेहरी गांव में एक बच्चे का शव बरामद किया है। बता दें कि मृतक बच्चा अपनी मौसी के घर आया था और लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्चा अपने मौसी के घर पे आया हुआ था, ठीक है, 19 तारीख को यहाँ पर आया हुआ था मौसी की लड़की के शादी में शामिल होने के लिए, और वो 23 तारीख को रात 10 बजे से यहाँ लापता है घर से, और आज 24 तारीख को हम लोग उसको पूरा ढूंढे, 23 तारीख को भी हम लोग उसको खोजें, लेकिन कहीं नहीं मिला। लापता होने का सूचना यहाँ सोनबरसा थाना में हम लोग दिए थे। को तारीख को दिए थे? और 24 तारीख को शाम को दिए थे हम लोग। तो थाना वगैरह आया था यहाँ पर लोग, सब लोग वो भी जांच पड़ताल किया, देखा, उसके बाद आज 25 तारीख के सुबह में 9 बजे हम लोग को इसका बॉडी मिला। कितने बजे आप लोगों को पता चला कि ये? करीब हम लोग को 6 बजे करीब पता चला, 6 बजे सुबह में हम लोग को पता चला कि बॉडी इसने। वहीं सुपौल में भी घरेलू विवाद के चलते दो बेटों ने अपने ही पिता को लाठी डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया। मामला वीरपुर थाना क्षेत्र के 22RD कटिया महादलित टोला का है, जहां दो बेटों ने अपने ही पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी और घटना के बाद घायल को दरभंगा इलाज के लिए भेज दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उन लोगों को आपस में क्या हुआ था, जिसमें पत्नी और दो बेटा मिलकर बुरी तरह से मारपीट किया, जिसको इलाज के लिए वहां आपका बतना भेजा गया, उसी क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। क्या फिर क्या कार्रवाई की जाए? कार्रवाई पुलिस को खबर हुई, आए और तीनों गिरफ्तार भी हो गए, उन लोगों को जेल भेज दिया गया। सूचना मिला है, आवेदन मिला है कि क्या कहता है विजय सदा का हत्या, उसका पुत्र और पत्नी मारपीट करके कर दिया, जिसका इलाज क्रम में आज मृत्यु हुआ है। 22 तारीख की घटना है, इसका अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बक्सर से संजय उपाध्याय और सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।